हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। तो आप लोग में से बहुत ज़्यादा व्यूअर की डिमांड थी कि आप कैसेट हब की भी अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आइए, आप दिखाइए कि कैसेट हब कैसी होती है, उसकी वर्किंग कैसी होती है। तो आज आप देख सकते हैं हमारे पास एक कैसेट हब है। तो क्या होता है कि नॉर्मल हब कैसेट हब में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता होगा देखने के लिए, और फ्रीबिल और कैसेट में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है डिफरेंस, जो कि मैंने आपको पिछली वाली एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि फ्रीबिल में जो मूविंग मैकेनिज्म होता है वो आपको फ्रीबिल के अंदर ही इनबिल्ड मिलता है, लेकिन कैसेट में आपको कोई भी मूविंग मैकेनिज्म नहीं मिलता है। कैसेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको कैसेट हब को इंस्टॉल करना पड़ता है पहले साइकिल में, उसके बाद ही आप कैसेट को अपनी साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसेट कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है फ्रीबिल की कंपैरिजन में। अगर आप फ्रीबिल को परचेज करते हैं तो आपको अपनी साइकिल के हब को चेंज नहीं करना पड़ेगा, लो बजट में ही आप अपने साइकिल को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैसेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसेट परचेज करना पड़ेगा, जो कि फ्रीबिल की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। उसके बाद आपको एक हब परचेज करना पड़ेगा कुछ इस टाइप का, जिसे हम कैसेट हब के नाम से जानते हैं। बहुत लोग इसे फ्री हब भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मूविंग मैकेनिज्म होता है कुछ आप देख सकते हैं हब के अंदर ही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसेट हब कैसा होता है, आप इसे ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की साइकिल से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। अगर आप कहेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन पर भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए शिमानो की ही हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की इंस्टॉलेशन के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इंस्टॉलेशन कर भी दिखाया, तो अगर आप इसकी भी इंस्टॉलेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हम जरूर आप हमें कमेंट कर बताइए, हम इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। कैसेट हब आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड नेम की गई है। और कैसेट हब में हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि पूरी हब कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन से पार्ट्स इसके अंदर आपको पहले से इंस्टॉल मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके होल्स की। तो इसमें आपको 36 होल्स मिलती है, पूरे जो 36 होल्स वाली रिम होती है नॉर्मली उसके अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम इधर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक रिलीज दी गई है। इस क्विक रिलीज की मदद से आप व्हील को बाहर और अंदर, यानी कि इंस्टॉल और बाहर से निकाल लेना व्हील को, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्विक रिलीज़ यहाँ पर से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप क्विक रिलीज़ को हटा भी सकते हैं, बस यहाँ पर से आपको सिंपल सा ऐसे अनस्क्रू करना होता है ये वाले नट को, और सिंपल सा आपके अंदर का क्विक रिलीज का रॉड ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद इस हब की में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक को माउंट करने के लिए होल्स दी जाती है। डायरेक्ट माउंट वाली डिस्क ब्रेक इसमें लग जाएगी, यानी कि जो डायरेक्ट माउंट वाली आपकी रोटर होती है, ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोटर की बात कर रहा हूँ, जो कि डिस्क प्लेट बहुत लोग जानते होंगे, डायरेक्ट माउंट वाली होनी चाहिए। जो थ्रेड वाली अगर आप फ्लिंग हटाकर लगाने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, डायरेक्ट माउंट वाला ही फिट होगा। उसके बाद हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके अंदर का रबर को बाहर की तरफ निकाल कर, ये देखिए हल्का सा हमने रबर को यहाँ पर से हटाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 6200 यानी कि 6200 नंबर की बियरिंग इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाएंगे, इसके अंदर 6200 नंबर की बियरिंग लगी हुई है, बिल्कुल फ्री है, एकदम स्मूथ है। दूसरी साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो मेन चीज़ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैसेट लगती है और ये कुछ इस तरीके से आवाज़ करता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखकर ही लग रहा होगा कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा सही है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी साइकिल में पेक्स इंस्टॉल करना है तो क्या हम ये वाली एक्सल को हटाकर अपने साइकिल में पेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बॉल बेयरिंग वाला एक्सल अवेलेबल है, जो कि 6200 नंबर का यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था बेयरिंग लगा हुआ है, तो आप इजिली इसको रिप्लेस कर वो वाली एक्सल लगाएंगे तो आप अपनी साइकिल में पेक्स भी लगा सकते हैं। और सेकेंड चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर आपको कैसे कैसेट्स को लगाना होता है, कैसेट्स को लगाने ना क्या जो प्रोसीजर है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, बस आपको एक कैसेट चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसेट
के अंदर के प्लास्टिक को हम लोग निकाल लेंगे, आप इसे कैसे भी डालेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगी। एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, आपको यहाँ पर से फाइंड आउट करना होगा। कुछ इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, उस पॉइंट पर आप इसे लॉक कर देंगे और ये वर्क कुछ इस तरीके से करती है। जब आप साइकिल के पैडल को पीछे की तरफ रोटेट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसेट कैसे काम करता है। अगर आप साइकिल में पैडल लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती है और आपका जो पूरा हब है वो मूव करने लगता है। हब में स्पोक्स लगी भी रहती हैं जो कि आपके पूरे रिम से कनेक्टेड होती है, तो कहीं ना कहीं आप पैडल मारते हैं तो आपका पूरा व्हील ही रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसेट हब के अंदर कौन कौन सा मैकेनिज़म होता है, वो कैसे काम करता है। देखिए, सिंपल सा कैसेट के अंदर कुछ नहीं होता है, बस छोटी छोटी जो प्लेट्स होती हैं मिल के एक साथ जुड़ी हुई रहती है और इसके अंदर कोई भी मूविंग मैकेनिज्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ रिवेट लगी हुई है और कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने साइकिल में कैसेट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपके लिए उसके लिए आपको कैसेट हब ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये वाली कैसेट या फिर आप कैसेट हब परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा डू इन मिनट्स के स्टोर पर जाकर इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाना है, डू इन मिनट्स लिखना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। गूगल पे भी आप डू इन मिनट्स .in लिखेंगे तो आपको वहाँ पर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप पटना से हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे शॉप से आके परचेज कर सकते हैं। हमारी जो सर्विस सेंटर है अभी पटना में अवेलेबल है, धीरे धीरे कर हम इसे पूरे इंडिया में ओपन करेंगे। जो फर्स्ट आउटलेट है हमारा अभी पटना में ओपन हो चुका है, आप चाहे तो वहाँ आकर अपनी साइकिल की सर्विस भी करा सकते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। मैं नीचे आपको कस्टमर केयर का नंबर, शॉप का लोकेशन और वेबसाइट का डाउनलोड लिंक भी आपको यहाँ पर मैं दे दूंगा, जहाँ पर से आप चाहे तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से बिना डाउनलोड किए भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।